हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं बांग्लादेश बॉर्डर। लगा हुआ है मेला, शिवरात्रि का भी मेला लगा हुआ है और हल्दीबाड़ी मेला लगा हुआ है। तो हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। देखते, बहुत दिनों के बाद जा रहे हैं और भी नहीं भी तो 10 साल के बाद क्या नज़ारा है, क्या मज़ा है, तो आगे चल के दिखाते हैं। चलिए, बने रहे। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। तो आप लोग को दिख रहा होगा ये रास्ता, इस रास्ता से इधर से रेलवे स्टेशन जाया जाता है, जो रेलवे स्टेशन NJP पड़ता है, जो नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है। तो अभी हम लोग फंस गए हैं जाम में, रेल फाटक के पास आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं पेट्रोल पंप पे, अभी पेट्रोल लेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलना है। तो भाई अभी पेट्रोल ले रहा है, तो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं कितना पेट्रोल निकाला जाता है। 500 का सेट फ्यूल लेना पड़ेगा यहाँ से। तो आपको ये ब्रिज दिख रहा होगा सामने की ओर, ये ब्रिज गाजल डूबल की ओर जाता है, फुलवाड़ी से आता है इस साइड से, और ये साइड गाजल डूबा जाता है, जो घूमने के लिए बहुत अच्छा जगह है। तो फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा ये सारा चाय का बगान है इधर। तो हम लोगों ने जिस रास्ता को यूज किया है, चाय के बगान के एरिया से होते हुए जाना है हम लोगों को इस रास्ते के जरिए। इधर खाली है पूरा। तो अभी हम लोग आधा रास्ता भी नहीं पहुंचा हूं, अभी कितना टाइम लगेगा यहां से कुछ पता नहीं, देखा जाए कितना टाइम तक पहुंचता हूं। 80 किलोमीटर का रास्ता है। तो सारा चाय का बगान है। लोग इस बाइक के जरिए, तो हमारा राजा भैया हल्का होने चला गया था चाय के बगान में, पानी पटाना पड़ा उसे। तो आप लोग को दिख रहा होगा कि ये मालगाड़ी जो जा रहा है, इसमें पेट्रोल है, जो आसाम जा रहा है नॉर्थ ईस्ट। फाइनली हम लोगों ने मजार के एरिया हल्दीबाड़ी में पहुंच गया है, और ये रहा रेलवे स्टेशन हल्दीबाड़ी। अभी जाना किधर है ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, अभी इधर पे पूछना पड़ेगा लग रहा है किसी से। तो फाइनली गाइज, हम लोग तो पहुंच गए हैं, हम लोग पार्किंग में गाड़ी को लगा दिया। ये रहा हमारा बाइक, और देखता हूँ और कितने दूर यहाँ से चल के जाना पड़ेगा, इसके लिए मालूम नहीं है। अब जाने के बाद ही समझ में आएगा कितना दूर है, और इधर से बॉर्डर कितना दूर है। उधर भी जाने का कोशिश करूँगा, तो अगर जाऊँगा तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगा। तो गैज, हम लोग जा रहे हैं अभी बॉर्डर की तरफ। आपको ये ट्रैक दिख रहा होगा, ये ट्रैक सीधा बांग्लादेश के अंदर जाता है, ऐसा कह रहा है लोग। और हमारे साथ हमारा भाई, राजा भाई। तो मैं काफ़ी दिनों के बाद, मैं भी तो 10-12 साल के बाद इस जगह पे घूमने के लिए आया हूँ। देखा जाए क्या मज़ा है। आपको चारों तरफ रेलवे ट्रैक का ऊपर आदमी ही आदमी दिख रहा होगा, सब घूमने के लिए आए हुए हैं, वो भी काफ़ी दूर से लोग आए हुए हैं चारों तरफ। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग मेला के अंदर एंटर हो गए हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है,
टू गॉड, यहाँ लोग इतना सारा है, चलने का जगह नहीं है, करोड़ों की तादाद में लोग आते हैं दूर दूर से, तो रास्ता देख रहे हैं किस तरह से जाम, आदमी लोग चलने का जगह नहीं। तो भाई साहब इस तरह का जाम में फंस गया था कि मैं आप लोगों को बांग्लादेश बॉर्डर तक नहीं जा सका, आपको दिखा नहीं पाया, इतना ज़्यादा भीड़ जिसका कहना नहीं था, मिलने का रास्ता नहीं था, तो इस वजह से हम लोगों ने बाहर निकल गया है। अब जाता हूँ किसी और जगह पे बैठना है, थोड़ा खाना पीना करना है। बैठ 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 के ब्लॉग कर। वाह तो दोस्तों, हम लोग अब घर के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर नहीं जा सके, इस वजह से अब उधर जाना बेकार, और इतना सारा भीड़ जिसमें चलना मुश्किल हो गया था, इस वजह से अब सोच रहा हूँ कि घर वापस जाया जाए। तो अभी भीड़ भी इस तरह का है, रेलवे स्टेशन का भीड़ आपको देखिए, तो इस तरह का भीड़ है। ये रेलवे स्टेशन हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन है, ये बांग्लादेश बॉर्डर से लगा हुआ है। तो हम लोग ने जहाँ बाइक पार्किंग किया था उस जगह, तो हम लोगों का बाइक पार्किंग उस जगह हुआ है। तो राजा भाई बाइक लाने चले गए हैं, और बाइक लेके आएंगे तो ये टोकन दिखाऊंगा, तब बाहर निकलने दिया जाएगा। तो हमारा भाई बाइक लेके आ गया, पार्किंग जोन से बाहर हो गया। चलो भाई, तो राजा भाई हमारा बाइक लेके निकल रहा है। तो फाइनली हम लोग इस जगह से निकल गए हैं, और आगे चल के कुछ चाय पानी पिया जाएगा। छठ पूजा करवा। तो फ्रेंड्स, हम लोग आए हुए हैं जलपाईगुड़ी का ये मज़ार, जहाँ ये पोखर आपको दिख रहा होगा। पोखर कहले बोली थी, पाउंड बोल, थोड़ा सा तो निशवा का इज्जत है, ब्लॉगिंग कर रहा है। तो भाई हमारा बोल रहा है कि इंग्लिश थोड़ा सा बोलने के लिए। तो फड़वा बोले थे उसे। ये तालाब दिख रहा होगा, इसमें मछलियाँ बहुत सारी है, और फाउंटेन। अब उर्दू यूज़ है, तलफ़्फ़ुज़ को चेंज किया गया। तो आपको अभी दिख रहा होगा आस्ते आस्ते बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, क्योंकि सब अभी वो क्या बोलता है उसे, हल्दीबाड़ी दरगाह से सब इधर की ओर आ रहे हैं। तो यहाँ भी एक मज़ार है छोटी सी, तो वो आपको दिख रहा होगा हरा, तो उस मज़ार पर सब लोग जाएंगे। और इस साइड में आपको दिख रहा होगा एक मस्जिद है, और हमारे भाई गए हुए मछली को देखने के लिए आए, खुद मछली बिक्री करते हैं। मछली वाले भैया मछली देखने गए हैं। बैंग माछ बोल रहा है। तो अब हम लोग बाहर की ओर जा रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद घर को निकलेंगे। यहाँ से 50 किलोमीटर अब हम लोगों को घर जाना है, तो कितना देर में पहुँचेंगे, क्या टाइम लगेगा अब तो पता नहीं, क्योंकि अंधेरा हो गया है। तो ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूं, और हमारा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारा चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद।